Hi guys, this is Nadan Tech and today we will know about use of pinning four. Pinning four means होता है तरसना, तड़पना या झपटना. चलिए हम लोग rules start करते हैं. तो rules में सबसे पहले हम लोग use करेंगे subject, helping verb, not, pinning four और verb में ing, object और etc. तो अब हम लोग इसका एक example देख लेते हैं. जैसे कि मैं बाजार जाने के लिए तरस रहा हूँ. तो इस सेंटेंस को हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं. तो अब हम लोग बनाएंगे मैं बाज़ार जाने के लिए तरस रहा हूँ. तो आई एम पिनिंग फॉर गोइंग टू मार्केट. तो गाइस ये तो हो गया हम लोगों का सिंपल सेंटेंस. अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि रूल में एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट पिनिंग फॉर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी ये आप लोगों को दिख रहा है. लेकिन इसमें एक नॉट जो लगा है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में इसका उपयोग कैसे करते हैं. तो चलिए अभी तो ये हम लोगों का नॉर्मल सेंटेंस बना हुआ है मैं बाज़ार जाने के लिए तरस रहा हूँ आई एम पिनिंग फॉर गोइंग टू मार्केट. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉट का कि नॉट का प्रयोग हम लोग अपने सेंटेंस में कैसे करेंगे. देखिए नॉट का प्रयोग करने के लिए हम लोगों का रूल सेम रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट पिनिंग फॉर वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी. एग्जांपल अब देखें इसका मैं बाज़ार जाने के लिए नहीं तरस रहा हूँ. तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम नॉट पिनिंग फॉर गोइंग टू मार्केट. अब आई एम नॉट पिनिंग फॉर गोइंग टू मार्केट सब्जेक्ट आई एम हेल्पिंग वर्ब नॉट फिर पिनिंग फॉर फिर वर्ब में आईएनजी गोइंग और ऑब्जेक्ट टू और मार्केट यानी कि एक्स्ट्रा. गाइस ये हम लोगों का हो गया अब सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव का यूज़. अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं. तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और पिनिंग फॉर और वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी. तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देते हैं फिर सब्जेक्ट फिर पिनिंग फॉर फिर वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी. अब देखें एग्जांपल क्या तुम बाज़ार जाने के लिए तरस रहे हो. तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम लोग. जैसे इसमें भी है क्या तुम बाज़ार जाने के लिए तरस रहे हो. तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे आर यू पिनिंग फॉर गोइंग टू मार्केट. यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा फिर सब्जेक्ट फिर पिनिंग फॉर फिर गोइंग टू मार्केट. इसका एक दूसरा एग्जांपल देख लें हम लोग कि जैसे क्या तुम गाना गाने के लिए तरस रहे हो है ना. तो अब सबसे पहले इसमें हिंदी में क्या है तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन पूछा तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे. तो सेम मेथड रहेगा आर यू पिनिंग फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग. यानी कि हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के फिर सब्जेक्ट को फिर पिनिंग फॉर फिर वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी. तो ये तो हम लोगों का हो गया कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन को यस में आंसर करते हैं जैसे क्या तुम एंटाइस में पढ़ने के लिए तरस रहे हो. तो यस आई एम पिनिंग फॉर स्टडिंग इन एंटाइस. अब यस हो गया. अब नो के लिए देखते हैं कि नो के लिए कैसे बोलेंगे. तो नो के लिए सेम मेथड रहेगा. सबसे पहले लगा देंगे नो फिर बोलेंगे कि नो आई एम नॉट पिनिंग फॉर स्टडिंग इन एंटाइस. तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन पूछने के लिए जैसे क्या तुम एंटाइस में पढ़ने के लिए तरस रहे हो. तो यस में यस आई एम पिनिंग फॉर स्टडिंग इन एंटाइस और नो आई एम नॉट पिनिंग फॉर स्टडिंग इन एंटाइस. तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स. एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.